क्वेश्चन वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस प्लेनेट पृथ्वी पर न जाने कितनी अनोखी चीजें होती रहती हैं। कुछ ऐसी चीजें जिन पर सीधे सीधे यकीन कर पाना नामुमकिन सा लगता है। हमारे इस पृथ्वी पर बड़े ही अद्भुत लोग हुए, जिसमें कि ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पास में प्राकृतिक रूप से सुपर पावर्स थी। जी हाँ, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या इस तरह की सुपर पावर्स जो हम फिल्मों में देखते हैं कि किसी इंसान के पास में है, क्या असल जिंदगी में भी इस तरह की सुपर पावर्स इंसानों के पास होती है या फिर ये सिर्फ मिथ्या है? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसी सुपर पावर्स कई इंसानों में हो सकती हैं। आज मैं एक ऐसे ही अद्भुत इंसान के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में जानने के बाद आप कहेंगे कि मेरे भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन नहीं मेरे भाई, मैं बिना सबूतों और एविडेंस के बात नहीं करता। एक ऐसा अद्भुत व्यक्ति जिसका नाम टेड सीरियस था, उनका जन्म 27 नवंबर 1918 को शिकागो अमेरिका में हुआ और उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 2006 को हुई। इस व्यक्ति के पास एक अद्भुत शक्ति थी जिसका नाम फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी क्या है तो चलिए अभी आप सब कुछ समझ जाएंगे। टेड सीरियो नामक इस व्यक्ति पर साइकिक सोसाइटी ने बहुत सारे प्रयोग किए। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं, अगर वो आदमी न्यूयॉर्क में बैठा है और उसने मुझे कभी नहीं देखा, कभी भी मेरा कोई फोटो नहीं देखा और उसने कभी मेरे बारे में कुछ नहीं सुना, तो ऐसे में अगर आप उससे कहेंगे कि वो मेरे बारे में सोचे, विचार करे और वो मेरे बारे में आंखें बंद करके ध्यान करे, और जब टेड सीरियो आधे घंटे बाद अपनी आंखें खोलेगा तो उस व्यक्ति यानी टेड सीरियो की आंखों में मेरा फोटो या चित्र निकाला जा सकता है। मेरा मतलब, जब वह यह प्रयोग कर रहा होगा तो कैमरा उसकी आंख में से मेरा चित्र निकाल देगा। और इस तरह के कोई एक, दो या तीन प्रयोग नहीं किए गए बल्कि हजारों प्रयोग किए गए टेड सीरियो पर। और इस प्रयोग के बाद जब उस फोटो से असली व्यक्ति के फोटो से मिलाया जाता तो करीब करीब वह फोटो जो टेड सीरियो की आंखों से निकाला गया था वो करीब करीब उस इंसान से काफी मिल खाता था। हाँ, फोटो इतना साफ तो नहीं होता था लेकिन वैसा ही होता था। इसका मतलब क्या है, चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप किसी की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं और आपका चेहरा उसकी आंखों में नजर आता है, बिल्कुल उसी तरह से हजारों मील बैठे आदमी को उसकी आंख में देखा जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी प्रकृति की किसी छोटी सी गलती के कारण इंसान के अंदर भी सुपर पावर्स जाग जाती हैं या फिर पैदाइशी मिल जाती हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं जिनके बारे में आप इंटरनेट पर ढूंढोगे तो आपको लाखों ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके बारे में सीधे तौर पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो चलिए इससे यह बात तो साबित हो गई है कि इंसान की इंद्रियां जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, इनकी इतनी ही सीमा नहीं है जितनी हम डेली प्रयोग में लेते हैं। इनकी लिमिटेशन कहीं ज्यादा है लेकिन वो सोई हुई शक्तियां हैं, जिसमें कि फोटोग्राफी के बारे में तो मैंने बता ही दिया है और साथ ही टेलीपैथी, हिप्नोटिज्म, ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जो सक्सेसफुल हुए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी इस वीडियो को देखकर सब कुछ आंखें बंद कर मेरी बात पर यकीन कर लें। आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए टेड सीरियस और उसके बाद जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ये भी पॉसिबल हो सकता है क्या। तो ये तो था एक अद्भुत व्यक्ति टेड सीरियस के बारे में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और अपने सभी फ्रेंड्स को इस वीडियो को शेयर करें, इससे चैनल को सपोर्ट भी मिलेगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो मिलता हूं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।